हमारे साथ आज खास चर्चा में हैं एसीपी एसकेएस तोमर सर। उनसे हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से वर्तमान परिदृश्य में सीसीटीवी कैमरे की महत्वपूर्ण भूमिका है। सर, खबर मध्य प्रदेश में सर आपका स्वागत। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, बात की जाए वर्तमान परिदृश्य में कि कोई भी आपराधिक घटना हो, उसे ट्रेस करना हो या उसे पकड़ना हो, तो सीसीटीवी कैमरे का महत्वपूर्ण योगदान रहता है सर वर्तमान परिदृश्य में। लेकिन यदि हम बात करें सीसीटीवी कैमरे की शुरुआत की, तो सर साल 2010 और 11 की हम बात करें, जब सराफा में आप थाना प्रभारी थे, इसकी शुरुआत सर आपके माध्यम से बताई जाती है कि आप ही ने इसकी शुरुआत की थी। तो सर आज के उस दौर को और इस दौर को यदि हम देखें तो क्या महत्वपूर्ण लगता है सर आपको? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि 2010-11 में जब मैं थाना प्रभारी सराफा हुआ करता था, तो निश्चित रूप से सराफा एक अपने आप में एक चैलेंज था कि यहाँ पे कोई चोरी होती थी तो उसका बहुत बड़ा रिएक्शन बाज़ार में और सराफा बाज़ार में देखने को मिलता आया था। तो उस पर हमने जब ये देखा कि इसको कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, तो उस समय एक परिकल्पना के रूप में सीसीटीवी सामने आया था। तो हमने उसका कई मतलब सीसीटीवी लगाना, साथ में रास्ते पीछे के ब्लॉक करना, चैनल्स लगाना, ऐसे कई काम वहाँ किए थे। और उसका नतीजा ये रहा कि 3 साल मेरा कार्यकाल 3.5 साल का वहाँ रहा और उसमें कोई भी ऐसा गंभीर अपराध वहाँ प्रॉपर्टी का घटित नहीं हुआ। तो उसी समय हमने व्यापारी एसोसिएशन के साथ बैठक करके और उनकी सहमति से सीसीटीवी कैमरे सराफा क्षेत्र में लगवाए थे, जो उस समय क्या पहला प्रयास था। उसमें यह था कि सीसीटीवी को लेकर कई लोगों के मन में अनेक धारणाएँ थीं कि जैसे सराफा बाज़ार में कईयों को ये धारणा थी कि हमारे खिलाफ़ सीसीटीवी का इस्तेमाल किया जा सकता है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी यहाँ बताई नहीं जा सकती, लेकिन व्यापारी के मन में वो शंका रहती थी। तो उनको निवारण करने में टाइम लगा, उनसे बातचीत करी, उनकी बैठकें करी, फिर उनको ये विश्वास दिलाया गया कि ये कैमरे आपकी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल में होंगे, ना कि आपकी किसी दूसरी कार्रवाई में इस्तेमाल किए जाएंगे। तो हमने इसका विजन सड़क पर ही रखा था, किसी भी दुकान को हमने इसको कवर नहीं करा। जब जाके व्यापारी तैयार हुए और अंततः हमको सीसीटीवी लगाने में सफलता मिली। पहले फेज़ में हमने उस समय सहित, मुझे जहाँ तक याद है, 52 या 56 सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे और मार्केट को कवर करा था। उसी के बाद इसी कड़ी में एमजी रोड पे आए थे हम, तो एमजी रोड पे जेल रोड, फिर 56 दुकान, यहाँ पे कैमरे लगना प्रारंभ हुए। और आज आप देख ही रहे हैं कि पूरा इंदौर कैमरे से पटा पड़ा है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अब तो ये स्थिति आ गई कि फरियादी भी थाने आता है, कई बार फुटेज साथ में लेके आता है, जो कि पुलिस के लिए बड़ा आसान काम हो जाता है कि वो उसकी रिपोर्ट कर रहा है, वो कितनी जेन्युइन है और करने वाले की कितनी गलती है। तो निश्चित रूप से जैसे आपने कहा, सीसीटीवी का अपना अलग महत्व है। और उसके बाद जब मैं दोबारा यहाँ ऐसे सीएसपी पोस्ट हुआ, तो मैं उस समय अन्नपूर्णा और खजराना में रहा, और अन्नपूर्णा में हमने सीसीटीवी कैमरे को बढ़ावा दिया और वहाँ पे भी क्राइम कंट्रोल करने में हमें बहुत मदद मिली। और खजराना में तो हमने एक नया ही सिस्टम तैयार करा था, जिसके तहत पूरे कार्यकाल में, जब भी चाकूबाजी के लिए कुख्यात रहा है खजराना, लेकिन उस समय उस सीसीटीवी की आप समझ लें, या वो एक हमने पीए सिस्टम भी साथ में इसमें ऐड किया था कि आप थाने से ही बैठे बैठे बता सकते थे कि इसमें आपको ट्रैफिक में भी बहुत फ़ायदा मिलता है। इसका इस्तेमाल अब मैं अगले उसमें ट्रैफिक में ही करना चाहूँगा कि सीसीटीवी के साथ पीए सिस्टम हो, ताकि आपको सड़क पे घूमना ना पड़े। आप जहाँ ऑफिस में बैठे हैं, जहाँ थाने पे बैठे हैं, वहीं से देखें और वहीं से एक आपकी गाड़ी मूवमेंट करेगी सड़क पर, जिसमें कि आपकी क्रेन होगी और एक आपका सपोर्ट वाहन होगा, जो गाड़ी लाइन के बाहर खड़ी है उनको हटा दी जाएंगी, उनके खिलाफ़ चालानी कार्रवाई कर दी जाएगी। तो आपको ट्रैफिक का एक अच्छा ही नमूना देखने को मिलेगा। इसके लिए भी हम योजना बना रहे हैं, किसी एक क्षेत्र को चुन के उस पर करने का प्रयास करेंगे। सर, निश्चित तौर पर जिस तरह सराफा क्षेत्र की आपने बात बताई, आज सराफा क्षेत्र में बड़े कई ऐसा अपराध भी सामने आए कि घटना घटित हुई, लेकिन ट्रेसिंग करने में सीसीटीवी कैमरे ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और मुश्किल से 12 घंटे भी नहीं हुए और आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आया। सर, उसी को देखते हुए सर हम बात करें महुना का चौराहा, और अभी तो फिलहाल महू में भी सीसीटीवी को लेकर एक अभियान वो शुरुआत की गई है। सर, कैसा लगता है सर, जब लगातार एक अभियान आपने शुरू किया था, उसके बाद धीरे धीरे सीसीटीवी कैमरे के जो महत्व है उसको अब पूरे इंदौर शहर में अप्लीकेबल हो गया है?
निश्चित रूप से यह बड़ा अपने आप को संतोष प्रदान करता है, एक संतुष्टि मिलती है। पुलिस में अधिकारी वही सक्सेसफुल है जो कि अपने काम के कारण संतुष्ट होता हो, और निश्चित रूप से अगर कोई आपका काम अप्रिशिएट करता है तो अच्छा लगता है। और उसी का नतीजा है कि जब मैं स्टार्ट करा था तो कई बार मुझे ऐसा ही बोला गया था कि ये CCTV TI साहब आ गए, तो कई बार क्रिटिसाइज़ भी होना पड़ता है। नई स्टेप जब भी आप कोई उठाएंगे तो आपको उसका विरोध का भी सामना करना पड़ता है, कई जगह आपको क्रिटिसाइज़ भी करा जाता है, लेकिन आपको नया इनोवेशन करते रहना चाहिए, मेरा ये मानना। सर एक सवाल मतलब मेरे जहन में भी है कि लगातार CCTV कैमरे को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ कॉलोनियाँ हैं, कुछ लोग हैं, रहवासी क्षेत्र की हम बात करें, वहाँ पर CCTV कैमरे को लेकर लगातार उनसे बोला जा रहा है कि आप अपने घर में CCTV कैमरे लगवाएं, और एक कैमरा ऐसा होना चाहिए जो आपका बाहर सड़क की तरफ हो, ताकि किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि यदि होती है तो उसको जल्दी ट्रेस किया जा सके या उससे बचा जा सके। तो सर कहीं ना कहीं अवेयरनेस अभी भी आम जनता में लाना ज़रूरी है कि वो इसके महत्व को समझे, ताकि इस तरह के जो अपराध हैं उसमें कमी आए। देखिए ये तो एक सतत प्रक्रिया है, इसको आप एक दिन में पूरा नहीं कर सकते। जैसे हम सराफा में दोबारा जब हमने इसको स्टार्ट करा तो सेकंड फेज में अभी जब कुछ डेवलपमेंट के काम हुए शहर के अंदर, स्मार्ट सिटी के काम हुए, कैमरे की केबल कट गई थी, काफ़ी कैमरे बंद थे, तो हमने एक बार फिर से इसको स्टार्ट करा और फिर एक बार 72 कैमरे फिर से इंस्टॉल कराए, और उसी के साथ हमने व्यापारी वर्ग से बातचीत करी और सभी व्यापारियों ने उसमें, जैसे आपने कहा ना मोटिवेशन से सारे काम हो जाते हैं, जब हमने व्यापारियों से बात करी तो उन्होंने एक कैमरा हमको डोनेट करने का स्वैच्छिक निर्णय लिया। हर दुकान पे आप अगर आप जाके सराफा में देखेंगे जो भी सड़क पे दुकानें हैं, उन्होंने एक कैमरे का विज़न हमारे दृष्टि से लगवाया है, पुलिस की दृष्टि से। बाकी उनके जितने भी कैमरे लगे हैं वो दुकान की सुरक्षा के हिसाब से लगाएं, लेकिन एक कैमरा हमने मांगा था जो व्यापारी ने हमको दिया है। और सराफा में हम एक और प्रयास कर रहे हैं कि जो भी ग्राहक या व्यक्ति आपके दुकान पे आता है, ये हम बैंक में भी करते रहते हैं प्रयास, कि वो कम से कम एक बार कैमरे के सामने मास्क हटा के आए और फिर वो अपना काम करे, ताकि उसकी पहचान स्थापित की जा सके। सर अभी वर्तमान में यदि हम बात करें सराफा थाना, छत्रीपुरा थाना, पंडीना थाना, सर इसमें अब आपके माध्यम से और क्या नए नवाचार किए जा रहे हैं? सर अभी ये जो डिवीज़न है ये बेसिकली कम्युनली सेंसिटिव डिवीज़न है, इसमें प्रॉपर्टी ऑफेंसेस इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, तो उसके लिए हमने कई बार मोहल्लों में बैठकें करी हैं, और एक जो विश्वास है दोनों समुदाय के बीच में वो होना अति आवश्यक है, और उसी के लिए हमने मोहल्लों में बैठकें करी थी, एक दूसरे के त्यौहारों पर उनके बीच में जाके बात करी, तो दोनों वर्ग में अभी अच्छा समन्वय है। इसके लिए कुछ CCTV कैमरे भी हमने लगाए हैं, कई बार जाने अनजाने में झूठी शिकायतें लोग कर देते हैं और जिसका रिएक्शन पूरे समाज पे आ जाता है, एक आदमी की गलती से पूरा समाज कई बार परेशान होता है, तो जब हमने ये बातें उनसे करी थी तो काफ़ी लोगों ने इसमें हमारा साथ दिया, और कई जगहों पे जो कि विवादग्रस्त जगह हैं वहाँ कैमरे लगाए गए हैं। अब इसमें प्रयास ये है कि इन कैमरों को एक व्यवस्थित ढंग से लगाया जाकर उसका एक कंट्रोल रूम बनाया जाए एक थाने पे या किसी जगह पे, ताकि कोई भी ऐसी घटना हम होती है त्यौहार के समय तो हम वहाँ से उसको नियंत्रण कर सकें। निश्चित तौर पर जिस तरह सर ने बताया कि CCTV कैमरे काफ़ी महत्वपूर्ण है अभी हर तरह के, उसमें यदि हम बात करें चाहे वो अपराध को ट्रेस करना हो या खुद की सुरक्षा को करना हो, निश्चित तौर पर यदि हम खुद अवेयरनेस में रहेगी, यदि हम खुद जागरूक रहेंगे तो निश्चित तौर पर। सर कुछ और कहना चाहें? सर नहीं, अवेयरनेस के लिए जहाँ तक सवाल है, इसमें पुलिस को जनता के बीच में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनता आपसे उम्मीद करती है सुरक्षा की। जब तक आपका मोटिवेशन नहीं होगा और आपका प्रयास नहीं दिखेगा, जब तक जनता आपके साथ आने में थोड़ी हिचकती है। मैंने जहाँ जहाँ भी देखा, आपने एक बार प्रयास करा जनता आपके साथ आएगी, और इंदौर जैसा शहर है यहाँ हर अच्छे काम में जनता का साथ हमेशा मिलता है, और उसी का नतीजा है कि इंदौर कई चीज़ों में नंबर वन है। निश्चित तौर पर जिस तरह सर ने कहा कि पुलिसिंग अपना काम कर रहे हैं और लगातार हर अधिकारी को आम जनता तक पहुंचना चाहिए, जिस तरह सर के कार्यप्रणाली रहती है लगातार वो आम जनता तक पहुंचते हैं, ये हमने भी देखा है, और निश्चित तौर पर यदि आम जनता भी पुलिस का सहयोग करे हर परिदृश्य से, तो निश्चित तौर पर हर जगह जिस तरह हम शहर में स्वच्छता में नंबर वन है, वैसे ही शहर भी सुरक्षा में भी नंबर वन बनेगा। कैमरा पर्सन गोल्डी के साथ जतिन ठाकुर, खबर मध्य प्रदेश, इंदौर।
अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप ये खबर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ताज़ातरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।